वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तेरी पूरी एडजस्टमेंट है भाई। सुबह हो गई आज तो 10:30 बजे ही उठे थे वापस, वो भी जबरदस्ती उठे। नहीं ना, पकड़ जरा। रात को 2 बजे तक तो मैं एडिटिंग कर रहा था, बाद में थोड़ा सा आवाज़ आने लगा किचन से कि कुछ तो बज रहा है, कुछ तो बज रहा है। मैं उठ के देखने गया, वहाँ सितनू चूसा चूहा था, गैस के नीचे छुपा हुआ था। मैंने मेघना को उठाया, बड़ी फटाफट भाग जल्दी तू बेडरूम के अंदर, बाकी मैंने लॉक किया बाहर से, फिर डंडा लेके चूहे के पीछे उसको बाहर निकालने के लिए। अभी वो किधर भागा पता नहीं। नींद आ रहा है अभी भी, लेकिन मेघना ने उठा दिया है। यार क्या करने का इसका बताओ आप। ग्यारह बजे तक कोई सोता है क्या? दारे तू नालायक कुर्ची। मी सांगितले ना वीडियो एडिटिंग करायला, कौन करना रे, एक तो एक आते बेचारा माझा। मैं एक काम से बाहर जा रहा हूँ, मैं भी बाहर जा रही हूँ, उसको भी कुछ काम है मार्केट से, तो जाके आते थोड़ा। अंकल के घर पे जा रहा हूँ, वहाँ पे थोड़ा काम है मुझे। दोस्त मुझे वेट कर रहे हैं, उसके साथ जाएंगे बाइक पे। देखता हूँ बैठ पाता हूँ कि नहीं। मेघना दरवाजा लाऊंगे, लोग बैठे अभी, लोग भैया अभी अभी स्कूल से आए। हेलो, हम लोग क्या देख रहे थे, हमारा मुंबई नंदुरबार टू मुंबई का ब्लॉग शूट किया था, वो हम लोग एंजॉय कर रहे हैं अभी। बड़ी घंटा बोला बच्ची हूँ मैं। ये ब्लॉग में जब मैं मतलब जब आ रहा था नंदुरबार से, तो मेरे को याद है इतना ट्रैफिक था भयंकर वाला। मुझे लिटरली उस टाइम पे फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि नंदुरबार से मुंबई आने के लिए 12 घंटे से ऊपर लग गया था, लगभग 14 घंटे के ऊपर लगा था। सुबह 8 बजे निकले थे और रात को 10 बजे पहुँचे थे। ये यार क्या बोल सकते, ऐसे भी एक्सपीरियंस लेना चाहिए कभी कभी, मज़ा आता है। बड़ा स्क्रीन में देखने में मज़ा अलग ही आता है, वो मोबाइल में देखने की बात अलग होती है और बड़े स्क्रीन में देखने की मज़ा ही अलग होता है। ये रात के टाइम पे हम लोग पहुंचे थे, तब का वीडियो है। बाकी श्लोक स्कूल कैसा था आज का? मस्त, मजा आ गया। डॉज बॉल और खो खो में दोनों में सिलेक्ट हुआ वाह, तेरा यो यो पार्टी दे रहा है कृष्ण भाई। नहीं इतना नहीं, अरे अभी सिलेक्ट हुआ हूँ, अभी सेमीफाइनल फाइनल बाकी। तेरी पार्टी तो बनता है ना बॉस। आप 1,000 सब्सक्राइबर होने दो, बड़ा पार्टी, बड़ा पार्टी, बहुत बड़ा पार्टी। चलो भाई जल्दी जल्दी 1,000 कर दो। सब्सक्राइब करो गाइस, जल्दी से सब्सक्राइब करो जल्दी से। जस्ट घर पे पहुंचे अभी, अचानक से बहुत गर्म होने लग जाता है, तो थोड़ा बैठने के लिए ज़रा शांति लग जाएगी। मैंने अभी थोड़ा बाहर गई है, पता नहीं उसका कुछ काम था बाहर, तो वो बाहर गई है। अभी आएगी वापस तो खाना खाने बैठेंगे, देखते हैं खाने में क्या बनाए क्या नहीं बनाए। से मसाले का सब्जी है, कौन सा है पता नहीं। अच्छा हाँ, चने का सब्जी बनाया है, मस्त काला रस्से का, अपना खानदेशी फेमस तीखा वाला चपाती रहेगा। भूख लग जाता है यार। वो देखो मेरे बेड पे ना पूरा सामान पड़ा रहता है, वो पाउडर भी यहीं पे पड़ा हुआ है। बैठते अभी थोड़ी देर के लिए टीवी वगैरह देखता हूँ, फिर खाना खाने बैठते हैं मैं आने के बाद। आपके बाप भयंकर गर्म हो रहा डायरेक्ट। ओह हार्डली 5 मिनट का भी रास्ता नहीं अंकल के घर से यहाँ पर आने के लिए, लेकिन यहाँ हाथ ऐसा बंधा हुआ रहता है ना, तो उस चक्कर में थोड़ा दुखने लग जाता है, थोड़ा सा भी उसको झटका लगता है तो दुखता है। मैं एक्सीडेंट के बारे में मैंने बात नहीं किया था एक्चुअली। 16 दिसंबर को जब मैं सुबह सुबह अपने जॉब पे जा रहा था, उस टाइम पे मुलुंड टोल नाके के पास में, जो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर है, तो
वहाँ पे एक कार वाला ने सडनली लेन कटिंग किया और मैं थर्ड लेन में चल रहा था, वो सेकंड लेन से वो बंदा आया और उसने डायरेक्टली थर्ड लेन में गाड़ी लेफ्ट मतलब ये किया, टर्न किया विदाउट एनी इंडिकेशन। और दूसरा चीज़ ये था कि वहाँ पे ब्रिज के ऊपर तीन ही लेन थे और तीन लेन में से उसने डायरेक्टली एक सेकंड लेन में से थर्ड लेन में गाड़ी लिया। और लकीली मैं अकेला ही बाइकर वहाँ पे था, अगर दूसरा कोई और बाइक वाला रहता तो उसका भी 100% वो ठोक के निकल जाता। लकीली वो मैं गाड़ी का स्पीड कम था, हार्डली मेरा या 30 से 40 के बीच में रहेगा। उस टाइम पर बंदे ने मुझे हिट किया और मैंने गाड़ी उस टाइम पे छोड़ दिया था, लेकिन मेरा जो राइट हैंड साइड शोल्डर है वो उसके कार पे टकराने की वजह से वहाँ पे फ्रैक्चर हुआ। बाद में मैं रोड पे गिरने के बाद लगभग 5 से 6 बार रोल हुआ, थोड़ा रोड पे घसीट भी गया था, जिससे मुझे कंधे पे और दोनों साइड के दोनों हाथों के कोने में बहुत सारा मतलब इंजरीज आ गया था अच्छा खासा। लेकिन वो रिकवर हो गया क्योंकि जो ट्रीटमेंट लिया तो उसकी वजह से वो जल्दी रिकवर हुआ कम्प्लीटली। अभी शोल्डर फ्रैक्चर होने की वजह से और डिसलोकेट होने की वजह, फ्रैक्चर भी हुआ और प्लस डिसलोकेट भी हुआ था, उसके चक्कर में मेरा अभी प्रॉब्लम ही आ रहा है ना कि मैं बिल्कुल उसका मूवमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जो ऑपरेशन किया है उसके अंदर उन्होंने एक लेज़र ट्रीटमेंट करके, एक लेज़र ऑपरेशन करके एक ऑपरेशन होता है जिसके अंदर वो चीरफाड़ नहीं करते, डायरेक्टली एक ड्रिल की तरह होल करते हैं जिसके अंदर तार डाल देते हैं। तो ऐसा अभी डाला हुआ है, अभी 17 से 20 तारीख के बीच में अभी वापस निकालेंगे उसको, सेकंड ऑपरेशन रहेगा। वो होने के बाद देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है रिकवर होने के लिए, अभी ज़्यादा दिन जॉब पे भी छुट्टी नहीं कर सकता, मुझे जॉब पे भी जाना पड़ेगा। ओके, तब तक मैं भी घर पे बैठे बैठे अभी बोर हो गया हूँ। बाइक का तो इतना नुकसान नहीं हुआ है, बाइक का अगर आप फोटोज़ में देखेंगे तो हमारा क्रैश गार्ड जो था हाइपर राइडर का जो मैंने इंस्टॉल करवाया था उसकी वजह से बाइक का तो बहुत नुकसान बच गया, खाली आगे का ब्रेक लीवर गया है, मेरा हैंडल बार ब्रेक हुआ है, ब्रेक नहीं बोल सकते लेकिन हैंडल बार है ना मेरा हल्का सा बेंट हो गया है। उसके बाद पीछे का ब्रेक लीवर, वहाँ का फुट रेस्ट, साइलेंसर का हिट शील्ड और उसका एंड कैप, ये मेरा डैमेज हुआ है राइट हैंड साइड का पूरा। लेकिन एक अच्छा था कि मेरा गाड़ी रनिंग कंडीशन में था, इंजन पे कोई डैमेज नहीं आया, क्रैश गार्ड की वजह से इंजन तक बच गया, टैंक बच गया, मेरा रेडिएटर बच गया बहुत अच्छा खासा, मतलब जो क्रैश गार्ड हाइपर राइडर का है काफ़ी अच्छा उसने परफॉर्म किया और उस टाइम पे मेरे को बचा लिया, नहीं अगर वो अगर नहीं रहता तो शायद से आज गाड़ी किस और हालत में रहता था या फिर डैमेज कुछ अलग ही लेवल पर रहता था। आज के डेट में हार्डली मेरा 2 से 3 हज़ार का नुकसान हुआ है गाड़ी का, अगर वो नहीं रहता तो मैं कम से कम मेरा 50 से 60 हज़ार का नुकसान हो जाता था, तो क्रैश गार्ड ने तो बचा लिया भाई साहब। अभी आप मेरा वो टॉप बॉक्स भी देख सकते हो सामने की तरफ रखा हुआ है, वो टॉप बॉक्स में भी डैमेज नहीं आया, इतना गिरने के बाद भी टॉप बॉक्स ऑन था उस टाइम पे गाड़ी में, सिंगल स्क्रैच नहीं है टॉप बॉक्स पे, मानना पड़ेगा यार। मतलब जस्ट अभी एडिटिंग वगैरह ख़त्म किया, मैडम अपनी सोने के लिए बोल रही थी, कब से बोल रही है नींद आ रही है नींद आ रही है, और देखो झोप है झोप ना, पिक्चर देख रही है मैडम। आवाज दे आवाज नहीं दाई सर, 50 वेळा बघितलेला पिक्चर है तो, परत परत कशाला बघायचंय, ऐक रे तू रे, देखते एकच आते माझ्याकडे रिमोट आहे ना, नाही द्यायचं सर कुछ भी मतलब यार, जब तो भी चलता है। अभी शाम के 7:30 बजे में टीवी देख रहा था, टीवी देखते देखते सोचा कि थोड़ा दूसरा कुछ काम कर लिया जाए, अभी एक ही हाथ है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर करके काम करना पड़ता है, तो मैं खाना बना रही हूँ, अभी भूख भी नहीं लगता यार, घर में बैठे बैठे तो ऐसे भी भूख भी नहीं लगता है, कुछ काम भी नहीं होता है तो कुछ ना कुछ करते रहने का। अभी तो आज ही मैंने एक ब्लॉग अपलोड किया, आज 13 तारीख है, 13 तारीख को ही मैंने एक ब्लॉग अपलोड किया था जो मेरा मुंबई पुणे मुंबई का था, मैं कौन सी डेट पे गया था मुझे तो याद नहीं अभी इतना, बट व्लॉग मैंने एडिट करके रखा हुआ था, आधा अधूरा पूरा एडिट हुआ नहीं था, तो उसको आज फाइनल किया, फाइनल करके अपलोड कर भी दिया है। अभी मोटो ब्लॉग तो अभी कोई है नहीं एडिट करने लिए, तो देखते हैं, अभी तो सिर्फ डेली ब्लॉगिंग जितना होगा उतना ही होगा। और एक न्यूज़ ऐसा है कि मेरा जो गाड़ी का स्पेयर पार्ट मैंने ऑर्डर किया था उसमें से कुछ मतलब 50% आया है, 50% पार्ट्स अभी तक आया नहीं है। मेरे जो फ्रेंड है इसके मोटो पुणे से, तो उनके पास मैंने ऑर्डर किया था,
क्रैश गार्ड अभी तक ऑर्डर किया नहीं मैंने। क्रैश गार्ड का मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं खुद ठीक ठाक हो जाऊँगा उसके बाद ही क्रैश गार्ड ऑर्डर करूँगा। अभी जो क्रैश गार्ड है वो तो ठीक है, मतलब नॉर्मली उसके ऊपर स्क्रैचेस वगैरह आए थोड़े बहुत, तो उसको हम लोग रिपेयर कर सकते हैं, उसको थोड़ा ठोक ठाक के रिपेयर कर देंगे टेम्पररी चलाने के लिए। अगर वो पूरी तरह से अगर रिपेयर हो जाता है तो उसको पेंट करवा दूंगा, अगर नहीं होता है तो फिर शायद से चेंज करना पड़ेगा। स्लाइडर तो 100% बदलना ही पड़ेगा, स्लाइडर इतना महंगा नहीं, उसका स्लाइडर बदल देंगे, नया खरीद लेंगे। लेकिन अगर क्रैश गार्ड एक साइड का भी ऑर्डर करता हो तो भी 2.5 से 3 हज़ार तक कम से कम प्राइसिंग जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है, देखते हैं। अभी ये उडली स्टाइल लाली मेघना जो भाई जी हमारा ही ब्लॉग देख रही है, और उसका स्टाइल देखो, सोने का स्टाइल नहीं, एक्चुअली ये बैठने का स्टाइल है मेघना का। इसे बेड में कैसे समझ आती है, समझ में नहीं आता है। मतलब तो मेरे को बैठने के लिए ये चेयर भी पूरा नहीं पड़ता है, और ये इतने से बेड पे पूरी फिट हो जाती है। इसलिए बोलता हूँ ज़्यादा खाया कर, लेकिन खाती ही नहीं है, सुखड़ी बम्बिल होती जा रही है। हमारा मूवी मस्त चल रहा है भाई, पहले नाइट एट द म्यूजियम लगा, उसके बाद नाइट एट द म्यूजियम का सेकंड पार्ट लग गया, एक के बाद एक चलते ही जा रहा है। खाना वगैरह हो गया, अब भी जस्ट अंडा भुर्जी खाया, चपाती खाया, मस्त काम कर ही रहा था, लेकिन वो शायद से ऐसा लग रहा है अपना काम सक्सेसफुली होगा नहीं आज के डेट में। एक जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहा था एडिटिंग के लिए, देखता हूँ अभी होगा तो शायद से हो जाएगा, नहीं तो फिर कोई भरोसा नहीं। मूवी टीवी का आवाज़ देखते हैं अभी चला के चलता है तो ठीक है। पीसी इतना एक तो ठंडा है ना मेरा, जल्दी चलता भी नहीं है, भागता भी नहीं, दौड़ता भी नहीं, कुछ नहीं करता है, एकदम धीरे धीरे चलेगा। बहुत स्लो है यार ये पीसी, एकदम फेंकना चाहिए मेरे को। मेरे पास ऑलरेडी ना मेरा सोनी का पुराना वाला लैपटॉप पड़ा हुआ है, जिसका है ना परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, मतलब रैम वगैरह तरह तगड़ा है, उसका ग्राफिक कार्ड भी अच्छा है। उसका बैटरी और हार्ड डिस्क ख़त्म हो चुका है पूरा का पूरा, बैटरी तो बदलना ही पड़ेगा, हार्ड डिस्क भी बदलना पड़ने वाला है मुझे। लेकिन दिक्कत अभी ये है ना, थोड़ा अपड़े चल रहे हैं, अभी एक बार थोड़ा सा स्टेबल हो जाए उसके बाद करते, क्योंकि खर्चे अभी इसके चक्कर में बहुत ज़्यादा बढ़ गए, बढ़ क्या गए, बहुत ज़्यादा घुस गया हूँ मैं। देखो यहाँ पे क्या लिख के आया, इसका क्या मतलब है, मतलब बाहर का क्या टेम्परेचर चेक कर रही है वो आई टी का। देखो क्या लिख के आ रहा है, एनवायरनमेंट टेस्ट। ये कौन सा एनवायरनमेंट टेस्ट कर रहा है, करून दाखव, करून दाखव ना, नाही नाही मी माझं करून दाखवतो ना, मी करू नाही मी करू नाही मी करतो ना नाही मी करतो ना हमारे पास भी फंडे रहते है। असं जरी बोट लावलं तरी उड्या मारायला लागलं। हो पोसले भावना पोसले। हा रात के 11 बज गए, अभी सोने का टाइम हो गया, बालों में तेल लगाने का सोच रहा हूँ, ड्राई हो गए बहुत। मेघना तेल लावून देना बाळा जरा डोक्याला, तेल लावून देना, लावून देते ना, मग लावून देतेस ना, घे मग उठा, उठ ना, उठ तर आधी, नाही अरे लॅपटॉपवर तेल तेलून दे, उठ लवकर, उठणार रे बाबा असं काय करतो, उठ मिनिट, उठ ना एकच मिनिट आईला म्हणजे आता नवऱ्यापेक्षा मोबाईल मोबाईल दस्ता, बापरे दिवसमान खराब चालू आहे, समजून घ्या लोकांनी, हा बघितलं का, वा हे अच्छा आहे, लोकों का इम्पॉर्टंट काम चल रहा है। हा काय देखो क्या कर रहे, तो इंस्टाग्राम पे वीडियोस देख रहे, वाह जी वाह, ये देखो क्या बोलते, क्या क्या पकोड़े की इंग्लिश में क्या बोलते, पकोड़ा
इंस्टाग्राम पे ना छोटे छोटे बच्चों ने इतना धमाल मचा के रखा हुआ है, तो बोलो मत यार। हम लोग का तो कोई वीडियो भी नहीं देखने जाएगा वहां पे। हम एक ना हम लोग कुछ डालेंगे तो भी हमारा कोई वीडियो नहीं देखने वाला, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चों का वीडियोज इतने हिट हो जाते हैं। चलो अच्छी बात है एक तरीके से। चलो तो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। कल मिलते हैं कल के नए फ्रेश ब्लॉग में। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और आपके फैमिली वालों को भी दिखाना, और जितने भी मेरे फेलो राइडर्स है भाई संभल के चलो, एक्सीडेंट तो हो जाता है बाद में, तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। तो राइड सेफ, बाय बाय।